एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि एज सच क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हमें कब बोलना चाहिए एज सच। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। एज सच का मतलब होता है उसी तरह से या उसी प्रकार से, और इस वर्ड को किसी नाउन के बाद लिखा जाता है। यानी अगर आप इस वर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे कोई नाउन, उसके बाद आप लिखेंगे एज सच। लगता है आप ठीक से समझे नहीं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकें। उसी तरीके से प्याज महंगा है या उसी प्रकार प्याज महंगा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ऑनियन एज सच इज कॉस्टली, यानी उसी प्रकार या उसी तरह प्याज महंगा है। अगर आपको कहना हो इंग्लिश उसी प्रकार आसान है या उसी तरह आसान है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इंग्लिश एज सच इज इजी, यानी उसी प्रकार या उसी तरह इंग्लिश आसान है। अगर आपको कहना हो इसी तरीके से एक सब जज बहुत सारा ताकत रखता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अ सब जज एज सच हैज सो मच पावर, यानी उसी तरह से या उसी प्रकार से एक उप न्यायाधीश बहुत सारा ताकत रखता है। अगर आपको कहना हो उसी प्रकार नींबू खट्टा होता है या उसी तरह नींबू खट्टा होता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेमन एज सच इज सॉर, यानी उसी प्रकार या उसी तरह से नींबू खट्टा होता है। अगर आपको कहना हो उसी प्रकार किस्मत कामयाबी की गारंटी नहीं दे सकती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लक एज सच कांट गारंटी सक्सेस, यानी उसी तरह से या उसी प्रकार से किस्मत कामयाबी की गारंटी नहीं देती है या नहीं दे सकती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि एज सच का मतलब होता है उसी तरह या उसी प्रकार। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।